क्रेटा में तो आपको बताइए टॉप वेरिएंट में ही आपको मिलते हैं। तभी कहीं ना मुझे जो किया सेल्टोस है ना वो ज्यादा बढ़िया लगता है। हुंडई पता किस चीज में आगे निकल जाती है भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। जब से यार क्रेटा फेसलिफ्ट का लॉन्च हुआ है, जब से ना ये वाली कार बहुत ही लोग अनदेखा कर रहे हैं। ये है ऑल न्यू किया सेल्टोस फेसलिफ्ट, जो कि क्रेटा फेसलिफ्ट से पहले लॉन्च हो चुकी थी और अभी तक तो शायद आपको पता भी चल गया हो, बट अगर नहीं पता चला टाइटल में वैसे आपने पढ़ ही लिया होगा भाई। ऑल न्यू किया सेल्टोस फेसलिफ्ट में पहले डीजल मैनुअल नहीं आता था, बट अब इसमें भाई फाइनली डीजल मैनुअल भी लॉन्च हो चुका है। सारी प्राइस लिस्ट ना स्क्रीन पे आपको दिख ही रही होगी, बट यस जीटी लाइन और एक्स लाइन में ये नहीं आया है। एच टी ई से लेके एच टी एक्स प्लस तक भाई ये वेरिएंट लॉन्च हो चुका है। एंड जो ये कार है ना भाई ये भी मैनुअली है, बट फिलहाल आज मैं हूँ भाई केएलजी किया। अगर आपको किया की कोई भी कार लेनी है आप इधर जरूर विजिट कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं जैसे सोशल मीडिया पे चल रहा है भाई कि क्रेटा की लुक पसंद नहीं आ रही है, बट किया सेल्टोस की बात करें भाई इस कार की लुक बहुत ही अमेजिंग पर्सनली मुझे लगती है। ऐसे क्रेटा की मुझे सही लगती है, चाहे इसे आप आगे से देख लो या फिर रियर से देख लो, कार की लुक भाई अमेजिंग है। एंड फिलहाल के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ भाई, पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो वीडियो है केवल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। जो ये है ना ये देख लो, मैनुअल तो है बट ये है पेट्रोल। जो डीजल आया है वो भी भाई बिल्कुल ही ऐसा सेम डिटो होने वाला है, बस जो हुड के अंदर जो इंजन होता है वो चेंज होएगा, बट फीचर्स वगैरह हर चीज लगभग आपको सेम ही मिलेंगे। एंड इस वेरिएंट की बात करें भाई ये है एच टी एक्स पेट्रोल मैनुअल। अब इंजन की बात हो ही रही है, सबसे पहले डीजल इंजन की बात करें ना वो आपको प्रोवाइड करेगा 115 bhp विद 250 nm ऑफ टॉर्क, वेयर एज ये है पेट्रोल इंजन, इसमें आपको मिल जाती है भाई अराउंड 114 bhp विद 144 nm ऑफ टॉर्क, वेयर एज इसमें ना टर्बो पेट्रोल इंजन भी आता है जो कि उधर खड़ा है, जो आपको प्रोवाइड करता है भाई 160 bhp विद अराउंड 253 nm ऑफ टॉर्क। वो ये है, वो भी 1500 cc इंजन ही है, 4 सिलेंडर, ये भी आपका 4 सिलेंडर इंजन ही है। एंड फ्रंट लुक की बात करें ना इधर आपको किया की बैजिंग मिल जाती है, एंड जो इसकी ग्रिल है मतलब एज कम्पेयर टू ऑल न्यू क्रेटा ज्यादा आपको बढ़िया लगती है, मतलब कि ज्यादा आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं इजीली। कॉमन मैन भी ना इसे देख के कह देता है कि हाँ भाई कार के लुक में कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। स्पेसिफिकली डीआरएल्स की बात करें ना जो इधर से स्टार्ट होके इधर तक जाती हैं ये बहुत ही बढ़िया लगती हैं। एंड हाँ इधर आपको एलईडी इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। हेडलाइट यूनिट की बात करें वो भी आपको एलईडी ही मिलती है। एंड वेयर एज फोगलाइट की बात करें भाई वो भी आपको एलईडी ही मिलती है। ऑल न्यू क्रेटा में तो ना फोगलाइट रिमूव ही कर दिया, आपको पता ही है क्या हिसाब किताब है। बाकी स्किट प्लेट की बात करें सिल्वर कलर की स्किट प्लेट मिल जाती है। एंड ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें अराउंड 190 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाती है। अब हम आ जाते हैं साइड में भाई, टायर साइज की बात करें इस वेरिएंट में तो ना आपको अराउंड 17 इंचेस के टायर मिलते हैं, या आप पढ़ सकते हैं 21560R17 ऐसा कुछ है अलॉय व्हील्स का डिजाइन। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, रियर में भी ना आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। वेयर एज आप अपर वेरिएंट्स में जाएंगे जैसे जीटी लाइन में आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, अब क्रेटा जो एन लाइन आ रही है उसमें भी आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, बट यस इसमें आपको एच टी एक्स प्लस में भी ना 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। बाकी और व्हील्स की बात करें इधर आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। एंड जो क्रोम ट्रीटमेंट है ना इसमें भाई अच्छा खासा यूज करा गया है, जैसे इधर भी आपको क्रोम मिल जाता है, डोर हैंडल्स में भी ना आपको क्रोम मिल जाता है, इधर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाती है, अंदर इसकी की बढ़िया भी, मैं की भी दिखाऊंगा भाई, प्रीमियम की इसकी मुझे पर्सनली ज्यादा लगती है। बाकी एक चीज आप नोट कर रहे हो भाई जो सनशेड है, क्रेटा में ना लोअर वेरिएंट्स में ना आपको सनशेड्स नहीं मिलते, वेयर एज इस कार में ना बेस वेरिएंट से आपको सनशेड मिल जाते हैं। बट अगर आप चंडीगढ़ रहते हैं भाई इसका चलान है तो यूज तो मत करना। बट यस अब रियर लुक की बात करें कनेक्टिंग टेल लाइट आपको मिल जाती है, आई मीन कनेक्टिंग तो ऐसा चाहिए पूरी है नहीं, इधर आपको किया का लोगो मिल जाता है, बट हाँ जैसे हुंडई क्रेटा है उसमें आपको कनेक्टिंग टेल लाइट मिल जाती है। बट कमेंट सेक्शन में आप बताना भाई रियर लुक क्रेटा की अच्छी लगती है या फिर सेल्टोस की अच्छी लगती है। कहीं ना कहीं मुझे तो यार देखो ये ना ज्यादा सटल सी कार लगती है, वेयर एज क्रेटा बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सी कार लगती है। बाकी तो यस चार रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं, रिवर्स कैमरा मिल जाता है, रियर वाइपर, रियर डिफोगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल और सनरूफ भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाती है। मतलब जो एच टी एक्स वेरिएंट है ना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता है, मतलब कि एच टी एक्स इज इक्वल टू एस एक्स ऑफ क्रेटा, बट आपको भी पता है भाई एस एक्स क्रेटा में डीजल ऑप्शन है ही नहीं, केवल पेट्रोल है, तो इसमें भाई आपकी ऑल न्यू किया सेल्टोस आगे निकल जाती है। बाकी हाँ एक बार ना मैं आपको टेलगेट भी इसका ओपन करके दिखा देता हूँ, सेम है भाई बूट स्पेस भी, 433 लीटर्स की ना बूट स्पेस मिल जाती है, 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाता है, बूट लाइट मिल जाती है, पार्शियल ट्रे मिल जाती है जो कि बढ़िया आता है, इधर आपको हुक मिल जाता है, इधर आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है जो कि है 16 इंचेस का, क्योंकि बेस वेरिएंट में भाई 16 इंच के ही टायर आते हैं। फिलहाल इसे भी हम कर देते हैं बंद। एनीवे बाहर से कार की बात हो चुकी है, अब इंटीरियर की बात करें ये देख लो, एक और प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, टॉप वेरिएंट नहीं है, टॉप से नीचे है, बट सीट्स देख लो लेदराइज आपको मिलती है, वेयर
क्रेटा में ना आपको नॉन लेदराइज मिलती है। और ये कोई मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ भाई, जैसे आपको बता रहा हूँ कि कौन सी कार किस वे में अच्छी है। बाकी की भी मैं आपको दिखा देता हूँ यार, इसकी की भी बहुत प्रीमियम है। लॉक अनलॉक होल्ड, इसे प्रेस करेंगे तो आपका टेल गेट ओपन हो जाएगा। बाकी सीट्स वगैरह आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, इधर से स्लाइड कर सकते हैं। की मैं एक बार इधर ही रख देता हूँ। एंड डोर ट्रिम की बात करें, ऐसा कुछ है डोर ट्रिम, और भी हम इधर से एडजस्ट कर सकते हैं पावर विंडोज के कंट्रोल। सॉफ्ट टच आपको मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और इसमें एक और सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है भाई, जैसे आप अलग अलग वेरिएंट्स में जाएंगे ना तो इसकी जो कलर स्कीम है ना वो चेंज हो जाती है। अब एक बार मैं कार को डालता हूँ एसेसरी मोड पे, ये देख लो भाई एक और क्रेटा जा रही है, ये भी मेरे ख्याल से HTX ही है। HTX यार कहीं ना मोस्ट वैल्यू फॉर मनी रहता ही है। वैसे आप HTK भी ले लो वो भी सही है, HT में तो स्क्रीन ही नहीं आती है, वो अलग हिसाब चल जाते हैं। बट यस ऐसा कुछ है भाई, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वही एक्सटर से लेके किया कैरेंस सब में आपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख ही रखे हैं। इधर से आप इसकी ना MID कंट्रोल कर सकते हैं, TPMS, कंपस और ये वैसे ट्रिप वगैरह के ना इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं। एंड अब सेफ्टी फीचर्स की बात करें ना, क्रेटा एंड किया सेल्टोस में ना लगभग आपको सेम ही सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। 6 एयरबैग, ABS विद EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट ना एज स्टैंडर्ड आपको इन कारों में मिलता है। तो सेफ्टी में तो लेट्स सी भारत एनकैप में क्या स्कोर करते हैं क्या नहीं। बट ये स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भी है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और इधर देख लो भाई लेदराइज, इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। हेडलाइट में बंद कर देता हूँ, हेजार्ड लाइट भी मैं बंद कर देता हूँ। एंड इसी के साथ साथ इधर आपको मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करने के बटन, क्रूज कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं, MID आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा, कीलेस एंट्री है भाई HTX वेरिएंट है, ट्रैक्शन ऑफ आप इधर से कर सकते हैं, ऑटो ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। एंड ये देख लो भाई इधर से आप बीम भी एडजस्ट कर सकते हैं। और एक और चीज तो मैं आपको बताना भूल गया भाई इस कार में ना, वैसे मैं उतर के आपको दिखा देता हूँ, इस कार में ना आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं। ये देख लो भाई फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, वो भी 4 क्रेटा में। तो आपको बताइए टॉप वेरिएंट में ही आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलते हैं। तभी कहीं ना मुझे जो किया सेल्टोस है ना वो ज्यादा बढ़िया लगती है, मतलब जो प्रैक्टिकल फीचर्स है ना वो इसमें ज्यादा है। और ऐसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक भी नहीं लगती कि भाई समझ रहे हो ना लुक वगैरह में ऊपर नीचे क्रेटा का, आपको बताइए क्या चल रहा है क्या नहीं। बट अगेन ये सारे मेरे भाई पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप क्रेटा ले रहे हैं तो बहुत अच्छी चॉइस है भाई, क्रेटा भी बढ़िया कार है। क्योंकि हुंडई पता है किस चीज में आगे निकल जाती है भाई, रूरल एरिया में भी ना उनके सर्विस सेंटर है, एक तरह से मारुति सुजुकी हुंडई इन सब चीजों में तो आगे निकलती है। वेरस किया भाई नया नया ब्रांड है, वही वाला हिसाब किताब रहता है। अभी ये पूरे रूरल इंडिया में अभी तक अच्छे से आए नहीं है। बाकी नीचे आप देख सकते हैं भाई मैनुअल है ये कार, 6 स्पीड इसमें आपको मैनुअल मिलता है। रिवर्स कैमरा क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसी कुछ है भाई इसकी रिवर्स कैमरा क्वालिटी। इसी के साथ साथ इंफोटेनमेंट स्क्रीन की भी हम बात करें ना, 10.25 इंच की ना इसमें आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है। बट HTX, HTX प्लस, GT लाइन और X लाइन जिसमें मतलब की बड़ी स्क्रीन है, उसमें ना आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस कारप्ले नहीं मिलता है। देख लो ये सैड बात है, मतलब कि वायर लगा के यार आपको कारप्ले वगैरह इसका चलाना पड़ेगा। बाकी IRVM की बात करें, ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिल जाता है, इधर आपको मिरर मिल जाएगा, इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, इधर आपको सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, LED ही कैबिन लाइट है। एंड ड्यूल जोन इसमें आपको AC मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, USB सॉकेट, सी टाइप सॉकेट, इधर आपको कुछ स्पेस मिल जाती है। बट वायरलेस चार्जर इस वेरियंट में नहीं है, इसे प्रेस करेंगे आपका अगेन कैमरा ऑन हो जाएगा। 6 स्पीड मैनुअल है जैसे मैंने आपको बताया, पार्किंग सेंसर आप फ्रंट वाले इधर से ऑफ कर सकते हैं, 2 कप होल्डर, मैनुअल हैंड ब्रेक, सेंटर आर्मरेस्ट और स्पेस देख लो भाई बढ़िया अच्छी खासी मिल जाती है। ग्लव बॉक्स की बात करें भाई, ऐसा कुछ है इसका ग्लव बॉक्स, एंड इधर भी आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। कार यार ये बहुत ज्यादा प्रीमियम है नो डाउट। एंड कंफर्ट की बात करूं ना, कंफर्टेबल भी कार भाई आपकी रहती ही है, और बोनेट का भी ना आपको अच्छा खासा व्यू मिल जाता है। तो चलाने में तो यार वही है, फ्रंट टू ड्राइव वगैरह अगर आपको कंसिडर करना है, इंजन वगैरह तो देखो दोनों कारों के सेम है, मतलब आपको बताइए भाई बहन है तो वो वाला हिसाब किताब रहता है। तो अगर आप लोग किया और हुंडई में कंफ्यूज है तो दोनों कार आप चला के देख सकते हैं, जोन सी आपको पसंद है आप उस पर जा सकते हैं। बट हाँ कहीं ना कहीं भाई मैं तो किया सेल्टोस पे जाऊंगा एनी डे, क्योंकि इसमें ना फीचर्स आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू क्रेटा। क्रेटा में तो यार बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर रखी है जो मुझे पर्सनली लगता है। बट एनीवे अब रियर डोर ट्रिम की बात करें ना, ऐसा कुछ है भाई इसका रियर डोर ट्रिम, अगेन सॉफ्ट टच आपको मिल जाता है, स्पेस मिल जाती है, सेल्टोस की स्किट प्लेट मिल जाती है, पीछे आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, 2 USB-C टाइप सॉकेट, स्पेस मिल जाती है। और देख रहे हो एक चीज नोट करो भाई, खुद ही नोट कर लो, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, क्या कर रहे हो क्रेटा, 60-40 स्प्लिट तो है ही, सेंटर आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। एंड सनरूफ का तो भाई अब आपको पता ही है, हर कार में पैनोरामिक सनरूफ आ ही रही है इस सेगमेंट में तो ऑलमोस्ट, क्या मतलब एलिवेट में नहीं आ रही है। बट एनीवे क्रेटा और किया में तो आपको सेम सनरूफ भी मिल जाती है। सो इस ओवरव्यू कार का भाई कुछ ऐसा है, आजकल वो ये भाई क्रेटा क्रेटा हो रखी है तो बंदे ना किया सेल्टोस को भूल ही गए हैं। बट भाई अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको अपने कुछ पैसे बचाने हैं, जी हाँ प्राइसिंग की बात करें ना, जो ये वाला वेरिएंट है अराउंड 15.19 लाख का आपको पड़ता है पेट्रोल में, वेयर एज अगर आप डीजल में जाएंगे 16.67 लाख का ये पड़ेगा। और ये एक्स शोरूम है भाई, ऑन रोड तो वही है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। वेयर एज क्रेटा का आपको पता ही है भाई, अगर आपने इस वेरियंट पे जाना है यानी कि SX हो गया एक तरह से क्रेटा का, इसमें डीजल अवेलेबल नहीं है। तो यार अगर आपको डीजल लेनी है तो एनी डे
किया पर जाना। और सबसे मेन बात मैं आपको बताऊं क्यों कह रहा हूं मैं, क्रेटा पे आपको पता होगा भाई डीजल में बहुत ज्यादा वेटिंग है, बट किया सेल्टोस डीजल में बिल्कुल भी वेटिंग आपको नहीं मिलेगी, मतलब कि अराउंड वन मंथ ये बोलते हैं। बाकी तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।